चलो करो करो ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह अमर है 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 हर बार हमें जो है वो स्मरण करते हैं। अभी देखो कोरोना जो है दो साल में रहा, उसमें हमें बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है। आज ही जो भोपाल मंडल ने हमें बहुत बहुत हमें गिफ्ट दिया है, उसे स्वागत किया है और हमारा हौसला बसाई बढ़ाई है। तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत हमें नहीं खुशी हो रही, हमारी बरादरी पूरी को खुशी हो रही है। हमारी बरादरी जितनी है ना, वो इनके दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करती है और भोपाल मंडल का कभी भी जो दामन हम कभी नहीं छोड़ेंगे। जब तक हमारी जिंदगी रहेगी हम भोपाल मंडल का साथ देंगे। कैसे आपके सर आज से तकरीबन 10 साल पहले जो था हमारे सफाई कर्मचारी जो 85 आदमी था, आज हमारे 85 आदमी से हमारे जो 50 आदमी रह गए हैं, वो उतना काम लोड है बहुत हमारे पास, इतना कोई हिसाब नहीं किया जाता है। इसलिए हमें जो काम की जो है काम की हमें बहुत दिक्कत है। हमें कम से कम 50 आदमी और रहना चाहिए या 100 आदमी और रहना चाहिए। हमारी गाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं, हमें सफाई कर्मचारी दिक्कत है, जितनी भी हमारी सफाई कर्मचारी की दिक्कत है। सिटी इतनी बढ़ गई है, कोई हिसाब नहीं किया जाता है। हर जगह देखो सिटी इतना, बाहर से भी लोग आए हुए हैं और हमारी सफाई का इतना ध्यान है, इतना कोई हिसाब ही नहीं किया जाता। व्यापार मंडल पुष्ट की ओर से हमने जो यहाँ पे जो सफाई अभियान था, मोदी जी का जो मिशन था, जो पखवाड़ा चल रहा था इसकी पूरे वर्ष को उन्होंने साफ करने का मिशन दिया, आज हमने इसी कड़ी में व्यापार मंडल पुष्ट की ओर से हमने सफाई अभियान किया है। आप देख रहे हो कि हमारी जो जानी मानी हस्तियां थी जिन्होंने हमारे पुष्ट को बचाने में अपना पूरा योगदान दिया, पूरा अपना जीवन निछावर कर दिया, आज हमने उनकी जो सीधे स्थल थे उनको आज हमने सफाई की है वहाँ पे व्यापार मंडल पुष्ट की ओर से, और यहाँ पे हमने जो भाई कर्मचारी हैं उनको भी आज हमने व्यापार मंडल पुष्ट की ओर से सम्मानित किया है। क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो सफाई कर्मचारी हैं ये दिन रात लगे रहते हैं हमारी सेवा करने के लिए, ये दिन नहीं देखते रात नहीं देखते, और सबसे बड़ा काम इन्होंने कोरोना काल में इन्होंने किया, दिन रात इन्होंने कोरोना काल में भी हमारी सेवा की है और हमारे शहर को साफ रखने में, हमारे बच्चों को हमारे बुजुर्गों को बीमारी से दूर रखने के लिए इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया, आज हमने इनको सम्मानित किया। और हमारा व्यापार मंडल का ये फर्ज बनता है कि हम अपने दुकानों को साफ रखें, अपने बाजार को साफ रखें, अपने शहर को साफ रखें। हम तमाम पुंछवासियों का और जितने व्यापारी भाई यहाँ पे आए थे उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं, और मीडिया वाले भाई भी जो यहाँ पे आए थे दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारा इस कार्यक्रम में हमारे सफल बनाने में अपना साथ दिया। धन्यवाद। हमने सफाई अभियान के तहत जो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था कि 1 से 10 तरीक तक स्वच्छता अभियान, आज उसका आखिरी दिन है, उसमें हमने सोचा कि ये जो हमारे शहीदी स्थान है इनकी पूरी देख रेख अच्छे से नहीं हो रही है, और ये स्थान ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह स्थान यहाँ पे फिर भी कोई साफ सफाई थोड़ा बहुत है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो शहीदी स्थल है ओल्ड बस स्टैंड में उसके बहुत बुरे हाल थे, जिसको हमने अभी साफ किया है
और हम कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा सा अच्छे से दोबारा रेनोवेट करके उसको जो मॉडर्न जिस तरीके से टाइल वगैरह या जो नामों का जो आपने देखा होगा कि वहाँ पे आज की डेट में वो नाम भी नहीं पढ़े जाते कि कौन कौन शहीद थे, जो डिटेल कभी किसी टाइम लगाई गई थी, तो उसको थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि इसको दोबारा रेनोवेट किया जाए और अच्छे से। और जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि ये जो हमारे पुरानी हस्तियाँ हैं उन सब का एक हमारे जो बच्चे हैं उनको इसी तरह से नॉलेज देनी चाहिए या एक लोकल सब्जेक्ट हो जिसमें कि ये जो हमारी पुरानी हस्तियाँ हैं, वॉरियर्स हैं, जो ग्रेट हमारे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कृष्णचंद जी थे वो भी हमारे पुंछ से थे, गवर्नमेंट हाई स्कूल की पुंछ में उनकी तालीम हुई है, तो ऐसी हस्तियों को थोड़ा सा बच्चों को भी तालीम दी जाए उसकी, तो ताकि हमारे जो लोग हैं उनको हमारी हिस्ट्री का पता हो, जो हमारे पुंछ के स्पेशली जो लोग थे हमारे, जैसा कि आपने हमारे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर थी उसमें हमारे कितने लोग उसमें शहीद हुए, कितने लोगों ने वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए गए, ये सब चीज़ें एक स्पेशल लोकल सब्जेक्ट होना चाहिए जो पढ़ाया जाना चाहिए किसी ना किसी क्लास में या एक एक चैप्टर ही हो किसी जगह हर क्लास में, ताकि ये हमारे बच्चे सारी चीज़ों की नॉलेज।